और निरसा में रामनवमी जुलूस निकालने को लेकर सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन पेश की गई है उसके विरोध में जनसमूह विद्रोह पर उतारू है। रामनवमी जुलूस निकालने को लेकर सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि 6 बजे तक जुलूस खत्म हो जाना चाहिए, जिस पर विरोध शुरू हो गया है। निरसा में अखाड़ा दल ने विरोध करते हुए कहा है कि सरकार हिंदू विरोधी है और समाज विरोधी है। साथ ही अखाड़ा दल के सदस्यों ने निरसा इंस्पेक्टर से थाना प्रभारी दिलीप यादव पर भी अभद्र भाषा के इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि थाना प्रभारी ने उन्हें बैठक के लिए बुलाया था और सख्त निर्देश ये दिया कि शाम 6 बजे तक जुलूस को नगर भ्रमण पूरा कर वापस हो लेना है। जब स्थानीय लोगों ने इस बात को लेकर विरोध किया तो उन्होंने स्थानीय लोगों से बदसुलूकी करने का आरोप उन पर लगा है, जिसके बाद लोगों ने रामनवमी जुलूस निकालने को लेकर गाइडलाइन पर पुनर्विचार की मांग की है, अन्यथा उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। सरकार ने रामनवमी के निमित्त एक गाइडलाइन जारी किया झारखंड सरकार ने कि उसमें जो है जुलूस में 100 आदमी से ज़्यादा नहीं रह पाएंगे और 6 बजे तक जुलूस खत्म कर देना है। इसी के आलोक में निरसा थाना प्रभारी ने आज हम लोगों सभी लाइसेंसी लोगों को बुलाया था, जहां हम लोगों ने थाना प्रभारी के समक्ष अपना बात को रखा कि सर यह रामनवमी जो है हिंदू का बहुत बड़ा पर्व है और इसमें हम किसी को शामिल होने से रोक नहीं पाएंगे, तो 100 आदमी का संख्या निर्धारित जो है उसमें थोड़ा 19-20 होगा। दूसरा नंबर चीज़ है कि शाम को जो 6 बजे हम लोग को जुलूस समापन करना है तो जुलूस 6 बजे निकलता ही है सब दिन, और 4 बजे तक जो है रामनवमी का पूजा पाठ और ध्वजा निरूपण होता है। तो इसलिए यह दोनों फरमान जो है असंवैधानिक टाइप का, मतलब जो अव्यवहारिक है। तो इस पर जो है बड़ा बाबू ने हम लोगों के साथ थोड़ा अभद्र भाषा भी प्रयोग किया और थोड़ा सा जो है वो माने अब नए हैं, पता नहीं, पहचाने नहीं, समझे नहीं, बुझे नहीं, और उन्होंने जो है कहा कि हम प्रशासन के व्यक्ति हैं और हम सख्ती से जो सरकार का गाइडलाइन है उसको पालन करेंगे। तो हम लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश